हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई भी बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों की चल रही होगी। आइए आज का सेगमेंट स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, ये मैथ की क्लास हम लोगों की है, प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोगों ने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ ली हैं और उसमें कई तरह के मेथड हम लोगों ने इंप्लीमेंट कर लिए हैं, कई तरह के टाइप के क्वेश्चन थे वो सॉल्व कर लिए हैं। हम लोग आगे के क्रम में चल रहे हैं। ये हम लोगों का संभवतः सेकेंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद एक आध वीडियो और भी मिलेगा। तो लगभग करीब में हमारी इस पर प्रॉफिट एंड लॉस पर जितने भी क्वेश्चन आज तक एग्जाम में आते हैं वो सारे पैटर्न हम लोग देख लेंगे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज का जो पैटर्न है क्वेश्चन का, वो किस तरह का क्वेश्चन है और इसमें किस मेथड का प्रयोग किया जाता है। हमने आगे इसमें भी क्वेश्चंस में कुछ आप लोग देख रहे होंगे कि कुछ नए तरीकों का इवेंट किया है इसमें, जिसमें हम लोगों ने प्रयास किया है पूरे प्रश्न की प्रवृत्ति के आधार पर ही क्यों ना उसके फार्मूले बना दिए जाए और उस फार्मूले को आप लोगों को उपलब्ध कराया जाए। तो हमने इसी का ही इस मेथड का प्रयोग किया कि क्वेश्चन की जो प्रवृत्ति है उस क्वेश्चन की प्रवृत्ति के आधार पर ही हम लोगों ने उस मेथड को बनाते हुए क्वेश्चन को फार्मूले आपको दिए हैं और इसको अगर आप समझ लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन अगर इससे भिन्न तरीके का भी आएगा तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। आइए सॉल्व करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन दे रहा है, कोई व्यक्ति दो घोड़े प्रत्येक को 600 रुपए में बेचता है, यानी कोई दो घोड़े हैं जिनको प्रत्येक को 600 रुपए में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ होता है, दूसरे पर उसे 20% की हानि होती है। उसे कुल लेन देन में कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है, ये आपको बताना है। तो इसका मेथड कैसा है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, कि अगर क्वेश्चन पूछे जब कोई दो वस्तुओं को समान मूल्य पर बेचा जाए, कोई दो वस्तुएं हैं उनको समान मूल्य पर अगर बेचा जाता है और उनमें से एक में एक्स प्रतिशत का लाभ होता है और दूसरे में एक्स प्रतिशत की हानि होती है, ठीक है, तो उसमें हमेशा उसको क्या करेंगे, जो x प्रतिशत है उसका स्क्वायर बटे 100 कर देंगे और जो आंसर आएगा वो प्रतिशत में होगा। और इस तरह के जो क्वेश्चन करते हैं सदैव और सदैव इस आधार पर अगर करने पर हानि ही होती है, उसमें प्रॉफिट नहीं होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को देखनी, यानी कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा हमारा वो हानि में ही आएगा। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को देख करके आप समझ भी सकते हैं सामान्य तरीके से, तो ऐसे क्वेश्चन में सदैव और सदैव हानि ही होती है। तो क्वेश्चन जब देखेंगे आप लोग इसका, कि अगर इसमें सेम इसी फार्मूले पे इसी मेथड पे क्वेश्चन अगर दिया हुआ है तो आप क्वेश्चन जानते ही देख लीजिएगा कि हानि जिसमें दिया होगा ऑप्शन वही उन्हीं में से ही, अगर दो ऑप्शन दे रहा है तो थोड़ा कठिन हो जाएगा आपको, तब सॉल्व करना पड़ेगा, अदरवाइज आप देखते ही क्वेश्चन बता देंगे कि हानि ही होगी इसमें। तो क्या करना होगा, एक्स का जो प्रतिशत दिया उसी को प्रतिशत आप मानेंगे, उसी को आप स्क्वायर कर देंगे बटे 100 करेंगे। तो यहाँ पर एक्स की जगह पर कितना प्रतिशत है, वही 20% दे रहा है ना, यहाँ पे 20% देखिए सभी जगह पर एक्स की हानि प्रतिशत की हानि हो रही है और एक्स प्रतिशत का ही नुकसान हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 20 और 20 का स्क्वायर बटे 100 हो जाएगा। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 400 ऊपर हो जाएगा, आप जानते ही हैं कि दो का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और दो एक सिंगल 0 00 में कन्वर्ट हो जाता है, ये इसका सूत्र है, ठीक है। आप इसको काट देंगे तो 4 आएगा, तो 4 क्या आएगा, ये प्रतिशत हुआ। और देखिए जब भी आता है आंसर इसका तो हमेशा हानि में होता है, तो प्रतिशत हो जाएगा, 4% की क्या हो जाएगी उसको, हानि हो जाएगी, क्लियर। तो 4% की हानि हो जाएगी क्वेश्चन में आपका यहाँ लिखा हुआ है, आप देख लीजिए हमेशा हानि होगी, ठीक। जब कोई दो वस्तुओं को विक्रेता जो व्यक्ति है वह समान रेट में बेचता है, एक में 20% की उसको प्रॉफिट होती है, दूसरे में 20% की हानि होती है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति को हमेशा हानि ही होगी, ठीक है, हमेशा हानि होगी। और हानि का प्रतिशत निकालने के लिए जो एक्स जितने प्रतिशत का लाभ या हानि, लाभ और हानि हो रही है उसने प्रतिशत का स्क्वायर बटे 100 कर देंगे, उसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो प्रतिशत हानि निकल करके आपको आ जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन का जो है ये अलग मेथड पे है क्वेश्चन, ये क्या है, यदि 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी 26 वस्तुओं का क्रय मूल्य 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें, ठीक है। तो ये जो सूत्र दे देता है, यानी कि कोई 26 वस्तुएं वस्तुओं का जो क्रय मूल्य, यानी 26 वस्तुओं को खरीदने में जो कीमत देनी पड़ती है, 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के अगर बराबर वो हो तो उसमें आपको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। तो देखिए इसमें ऐसा अगर क्वेश्चन दे रहा है कि कोई वस्तुओं की संख्या ज्यादा हो, ठीक है, क्या कह रहा है, वस्तुओं के क्रय मूल्य जो है 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, यानी 26 वस्तुओं के जो क्रय मूल्य हैं वो 25 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, तो यानी कि 25 वस्तुओं को बेचने में ही 26 वस्तुओं के क्रय मूल्य का क्या हो जाएगा इसमें, मतलब आपको मिल जाए, तो इसका मतलब हमेशा क्या है कि यानी कि आप प्रॉफिट में जा रहे हैं भाई, 25 वस्तुओं को बेचने पे ही 26 के आपको प्राइस मिल जा रहे हैं, नहीं आप प्रॉफिट में हैं,
निश्चित तौर से ठीक है। तो अब इस तरह की एक तरह से लाभ या हानि होगी तो मोस्टली देखिए कि पॉजिटिव ही होगा, फायदा ही होगा, जब तक कि अगली वाली वस्तु को बहुत माइनस में ना बेच दे। 26वीं वाली जो वस्तु है वह बहुत कम दाम में ना बेच दिया जाए, नहीं उसकी क्रय मूल्य से भी कम रेट में ना बेच दिया जाए, तो हमेशा प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, तो बहरहाल ये तो आपके समझने की बात थी। तो मोस्टली इसके जब आंसर आप फार्मूले पे रखेंगे, इसके लिए फार्मूला है उस पे रखेंगे, अगर धनात्मक आता है आंसर तो लाभ होगा और ऋणात्मक आंसर आता है तो आपको हानि होगी। इसके लिए क्या है, देखिए ये मेथड क्या है, यदि एक्स वस्तुओं का क्रय मूल्य वाई वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो प्रतिशत लाभ या हानि होगी। प्रतिशत लाभ या हानि क्या होगा, एक्स माइनस वाई बटे वाई इंटू 100 प्रतिशत होगी। अगर यही सॉल्व करने पे बच्चों सकारात्मक यानी पॉजिटिव आंसर आता है तो लाभ होगा, और यही सॉल्व करने पे अगर ऋणात्मक आंसर आता है तो हानि हो जाएगी। अब देखिए क्या फार्मूला है, x माइनस वाई बटे वाई इंटू 100, ये फार्मूला आपका होता है। कब होगा कि जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के जब बराबर हो, ठीक है, x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के जब बराबर हो तो वहां फार्मूला होता है x वस्तुओं का वह वस्तु के दाम माइनस y वस्तु के दाम बटे y वस्तु के दाम इंटू 100 हो जाता है। ऐसे आप कह सकते हैं इसको, या x माइनस y बटे y इंटू 100। आप इसको सॉल्व कर दीजिए, देखिए क्या दे रहा है, x की जगह पर जो है वो 26 वस्तु है, पहले का मान आप x मानेंगे, 26 आप मानेंगे, तो 26 माइनस 25 हो जाएगा, y का मान 25 बटे 25 इंटू 100, आप इसको सरल करें, 1/25 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, अब आप 25 चौके 100 हो जाएगा, देखिए कितना हो गया, 1/4 हो जाएगा, बराबर 4%। क्या हो गया, ये आंसर किसमें आया बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ पर आपका धनात्मक आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, 4% का इसमें लाभ हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, आंसर को अगर आप देखेंगे तो लाभ आपको दिखेगा। तो ये जो आपको बेनिफिट हो रहा है, चूंकि धनात्मक आया मैंने भी आपको बताया, तो आपके यहाँ पर यानी कि 4% का लाभ हो जाता है। अगर यही आंसर आपका ऋणात्मक आ गया होता तो क्या हो जाता, वहाँ पर आपका हानि हो जाती। ठीक है, तो उम्मीद है ये दोनों मेथड आपको समझ में आए होंगे, और इस तरह से जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन अब आप करने की सक्षमता आपके अंदर डेवलप हो चुकी होगी। दोस्तों ऐसे ही खूब मेहनत करते रहिए, मैथ भी आपको आसान होती जा रही होगी। उम्मीद है जो लोग थोड़ा सा भी इंटरेस्ट ले रहे होंगे उनको बहुत सरलता महसूस हो रही होगी मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। मैथ में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं है, और मैं ये नहीं कहता कि आप बिल्कुल एकदम PhD कर लेंगे उसमें, बहुत अच्छी नॉलेज रखेंगे, लेकिन इतना तो ज़रूर आपके अंदर सक्षमता आ रही होगी कि प्रश्नों को समझते हुए और जो सामान्य सार फार्मूले पे क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, और आपने इसी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इन वीडियोज़ को रेगुलर रूटीन वे में देखते रहे तो 100% ऐसी स्थिति रहेगी कि 60% प्लस आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अपना साथ अपना प्यार हम लोगों के साथ बनाए हुए हैं आप लोग, बनाए रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।